रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, जैसे क्या हो गया आपका स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट में मान लो मैंने लिखा कि आल ए आर बी हो गया, आल बी आर सी हो गया, ठीक है। और हमने यहां पे लिख दिया कि नो सी आर डी, ठीक। हमने ये लिखा कि आल ए आर बी, आल बी आर सी, नो सी आर डी, मतलब कोई भी सी क्या है आपका, कोई भी जो सी है वो डी नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई, हम लोगों को क्या करना है, स्टेटमेंट जैसे हम लोगों ने देखा था तो बना लेते हैं। आल ए आर क्या हो गया आपका, बी हो गया, ठीक है। आल बी आर क्या हो गया आपका, सी हो गया, ठीक। और नो सी आर डी मतलब कोई भी सी क्या है। अच्छा फैजल जी, बुक्स की बात रही तो जैसे हम लोग जब पढ़ाएंगे हम आपको, तो जो ट्रिक होंगी या जो बुक्स होंगी, मतलब जो जो हम आपको नोट्स देंगे, वो आपको पर्याप्त रहेगा, जो मैं लेक्चर दूंगा वो आपको पर्याप्त रहेगा। अब आप कोई भी बुक्स, मतलब कोई भी बुक्स मार्केट में, कोई भी बुक्स आप परचेज कर सकते हैं, और कंपटीशन का कोई भी जो वो क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर सकते हो, कभी गलत नहीं होगा कोई भी बुक्स। हालांकि मैं बुक्स जो नोट्स हैं वो मैं आपको हर जो टॉपिक होगा उसको मैं नोट्स दूंगा, वो आपके लिए पर्याप्त रहेंगे, मतलब लगभग आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगर मान लो लगता है तो आप कोई भी अरिहंत की आती है या किसी भी पब्लिकेशन की खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हालांकि मैथ रीजनिंग में जो भी मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगा तो वो आपके लिए सफिशियंट रहेंगे, कुछ दूसरी कोई चीज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा, ठीक है। तो मार्केट से लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर लगता है तो जैसे मान लो प्रैक्टिस बुक्स तो मान लो पर्याप्त रहता है ना, आप प्रैक्टिस ले सकते हो, मतलब प्रैक्टिस बुक्स ले सकते हो, मतलब प्रैक्टिस एक बुक्स आती है, जैसे मान लो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो सी सेट की कोई एक बुक्स ले लो, प्रैक्टिस बुक्स ले लो, ठीक है। बाकी जो जिसमें प्रैक्टिस आप कर सकते हो, बाकी जो रूल बताएंगे आप सिर्फ वही मैथ रीजनिंग में, तो वही चीजें जो है आप ध्यान दे दोगे तो हो जाएगा, ठीक। कोई प्रॉब्लम लेने की बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको कि बुक्स लेना है, बस रूल देख लेना। मैं ऑलरेडी अभी जो कराऊंगा आपको एक नोट्स दूं दूंगा, बाकी जो उसमें और एक नोट्स दे दूंगा, इसमें लगभग 75 के लगभग जो तो क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक। देखो तो अब आगे करा कि नो सी आर डी मतलब कोई भी सी क्या है आपका, डी नहीं है। अब हमें क्या करना है, सी और डी में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, सी और डी में नहीं होना चाहिए, मतलब ये हमने पार्ट मान लिया डी का है तो डी का पार्ट सी से नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक बात समझो, जैसे हमने कल एक आप लोगों को एग्जाम्पल बताया हुआ था कि मैं किचन में था और मान लो कोई मेरा एक फ्रेंड आया था तो गेट पे था, तो हमने उसको बुलाया था कि किचन में आ जाओ, तो मतलब वो पूरी चीजें देख लिया था। लेकिन अब मान लो मैं बाहर ही खड़ा होता, बाहर खड़ा होता, या तो मैं वहीं से रोक देना, हम कह देते कि अंदर नहीं आना, गेट के अंदर नहीं आना है, मतलब गेट के अंदर नहीं आना है। इसका मतलब है जब ये पर्सन मैंने सी का डी से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो सी का जब डी से कोई रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि जब ये डी सी पे नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा, तो ये बी पे भी नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, और ना ही ये क्या होगा आपका यहाँ पे भी नहीं आ सकता है। मतलब कहने का कोई भी ए डी नहीं हो सकता, कोई भी बी डी नहीं हो सकता, कोई भी सी डी नहीं हो सकता, यहां तक कि प्रोसिबिलिटी भी नहीं है कि हम इसमें प्रोसिबिलिटी कह दें कि हो सकता है। तो ये चीज क्या होगी आपकी, क्लियर रहेगी, इसमें से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से आप लोगों को, ठीक। और करके एक चीज उसमें से और देख लेते, ठीक, समझ में आ गया ना ये आप लोगों को। अब देखो इसी का एक और करके और बताते हैं, ठीक। एक और मान लो इसी का स्टेटमेंट और बना लेते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि आल ए आर बी, आल आल बी आर सी, आल सी आर डी, और फिर हमने कह दिया कि सम सी आर ई, मतलब हमने ये स्टेटमेंट कह दिया कि सम सी आर, सॉरी सम सी आर, मतलब नहीं नहीं एक मिनट, नो सी आर डी,
मान लो हमने कह दिया कि नो सीआरडी, मतलब कोई भी सी जो तो है ई नहीं है, नो सी आर ई, मतलब कोई भी सी जो तो है आपका ई नहीं है, ये हमने स्टेटमेंट में बोला। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट बना लेते हैं। जो फिगर हो गया आपका आल ए आर क्या हो गया आपका बी हो गया, आल बी क्या हो गया आपका सी हो गया, आल सी आर क्या हो गया आपका डी हो गया, ठीक है। तो आपने डी बना दिया, तो सी पार्ट ये है। अब हमें क्या करना है, सी का ई पे पार्ट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई भी सी जो तो है डी नहीं होगा। तो हम सी, अगर हमने ये कहा तो हमने क्या किया, ई ये बना लिया, मान लो ई मेरा पार्ट ये हो गया। तो ई इसने ये कहा कि ई सी पर नहीं होगा, लेकिन इसने डी के में भी कोई रिलेशन नहीं बोला। मतलब एक अगर हम पार्ट बनाना चाहे प्रोसबिलिटी की बात बताने का, तो हम ई यहां पे ऐसे बनाते हैं और क्या करते हैं, हम सी पे ऐसे ना जाते, मतलब सी पे ना जाते, लेकिन हम डी पे क्या हो सकते थे, आ सकते थे। मतलब क्योंकि उसने मना किया है, मैं सी तक मना किया, आपको सी के अंदर नहीं जाना है, तो इसका मतलब ये सही हो जाता कि कोई भी जो सी है ई नहीं है, और कोई भी बी ई नहीं है ये बात भी सही है, कोई भी ए ई नहीं है ये बात भी सही है। लेकिन अगर हमसे स्टेट मान लो कंक्लूजन में ये कह देता कि कोई भी डी ई नहीं है, तो ये बात क्या हो जाती, आपकी गलत हो जाती, क्योंकि प्रोसिबिलिटी है कि हो सकता है, क्योंकि हमें यहां पे नहीं लाना था, तो प्रोसिबिलिटी चूंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन बना, तो हो प्रोसिबिलिटी है कि हो सकता था कि सम डी आर सी, सॉरी सम डी आर ई, सम डी आर सी इस कंडीशन में क्या हो सकता है, प्रोसिबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है कि संभावना है। और अगर यह कहता कि नो डी आर ई, तो यह भी क्या होगा, गलत होगा। मतलब जिसके बारे में पता नहीं, तो पॉजिटिव कह रहा है तब भी रॉन्ग हो रहा है, अगर निगेटिव कह रहा है तब भी क्या हो रहा है, आपका रॉन्ग हो रहा है, ठीक। अब बताओ अगर ना समझ में आओगे, सर ये बात समझ में नहीं है, तो बताओ दोबारा रिपीट कर दे। मतलब हमसे सिर्फ सी और ई के बारे में बताया कि सी ई नहीं जाए। जैसे मान लो अगर मान लो रूम पे आया होता, तो हम यही कह देते कि यहीं पे रहो, तो वो अंदर ना जा पाता, अंदर हमने रोक दिया कि नहीं, ये चीजें अंदर की मैंने बात नहीं बताई। तो हमने कहा कि कोई भी सी मतलब यहां तक नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा, तो फिर अंदर भी नहीं, बस सिर्फ कहां तक हो सकता, प्रोसिबिलिटी है कि हाँ यहां तक हो सकता था, ये चीज बोली गई है, ठीक। ठीक है, देखो हमने ये इसमें बोला हुआ है, क्वेश्चन दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल से है, कह रहा है यही इसी का जो पहला था ना, इसी का मान लो एक वेरिएशन है बी, दूसरा नंबर है, ठीक है, आल ए आर बी, ठीक। तो हमने क्या बना दिया कि आल ए आर क्या हो गया आपका बी हो गया, ठीक। मतलब क्या हो गया आपका, आल ए आर क्या हो गया आपका बी हो गया, ठीक। ये तो हम लोगों को कल ही सीख चुके थे हम लोग। फिर कह रहा है आल बी आर सी, आल बी आर क्या हो गया आपका सी हो गया, ये जैसा कह रहा था बिल्कुल हम वही स्टेटमेंट में ऐसे बनाते चले जा रहे, ठीक है। फिर कह रहा है सम सी आर डी, तो हमने क्या कर दिया, सम सी आर डी, तो हमने सम सी आर डी बना दिया। ये पूरा आप ऐसे सर्किल आप क्या कर देते हैं, बना ले। फिर देखो दूसरे में क्या कर रहा है, कह रहा है हाँ देख रहे हैं अभी, देखो जो हाँ मतलब जो ई है वो ई का जो तो रिलेशन जो है वो सी से नहीं होगा, ठीक है। जब ई का रिलेशन सी से नहीं होगा, तो बी से भी नहीं होगा, और ए से भी कोई भी रिलेशन उसका नहीं होगा, ठीक है। आगे स्टेटमेंट में और ये है, मतलब ये नो सी, नो सी आर ई, मतलब सी का ई से कोई भी रिलेशन, चूंकि ये स्टेटमेंट में इतनी बात बोल रहा है, ये एक स्टेटमेंट था ना, हम लोगों को क्या था, ये कि स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट बोला गया, इतना स्टेटमेंट, मतलब हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिली, मतलब इसमें ई भी है, लेकिन ई के बारे में जो बताया गया है वो सी से रिलेट करके बताया गया है। तो जब सी से रिलेट करके बताया, तो सी जो है ई में नहीं होगा, मतलब कहने का है ये जो ई है, अब इसके हम दो फिगर बना रहे, समझना, सी को हमें ई में नहीं ले जाना है, मतलब तो हम यहां पे भी बना सकते थे, क्योंकि उसने कहा नहीं, तो यहां पे एक और हम ई बना सकते थे, मतलब हम एक क्रॉस ऐसे लगा सकते, प्रोसिबिलिटी है, एक क्रॉस हम इसमें से और बना सकते थे, दूसरा अगर फिगर हम बनाना होता तो हम क्या कर सकते थे, इसको यहां तक ले जाते, सॉरी यहां तक ले जाते, ऐसे ई के अंदर नहीं ले जाएंगे, मतलब ऐसे ले जाते, ये वाला फिगर नहीं है, ठीक है, ये मतलब हम डी में आ सकते थे, प्रोसिबिलिटी थी, ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं था। तो यदि सी और
डी में बोलेगा कि नो सी आर ई, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। नो बी आर ई, ये भी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। नो ए आर ई, ये भी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे डी और ई के रेफरेंस में कोई भी कहेगा, मतलब पॉजिटिव कहे तब भी गलत हो जाएगा और निगेटिव कहेगा तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चूंकि कंफर्मेशन नहीं है इस कारण से ये दोनों चीजें ही क्या हो जाएंगी आपकी, गलत हो जाएंगी। अगर अभी भी प्लीज कंफ्यूजन हो कि अभी भी सर समझ में नहीं आया है तो बताएं, दोबारा रिपीट कर देते हैं। आप लोगों को प्लीज अगर ना समझ में आया हो, किस तरह अभी भी समझ में नहीं आया तो बताओ, कोई भी मतलब इसमें से पूछना चाहते हो, ठीक। अब देखो एक और समझो, स्टेटमेंट की बात समझो। जैसे मान लो मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, मान लो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट में हमें करना क्या है, स्टेटमेंट में हमें लिंकिंग करनी है। मतलब जैसे स्टेटमेंट में क्या करना है, हमें लिंकिंग करनी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो हमने कहा कि सम, तो आपने ये लिखा ना सर, ये आ गया ना सम ई आर, सम डी आर ई सी से इसका रिलेशन तो नहीं आई सर। हाँ, तो ये मतलब ये प्रोसिबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है। मतलब सम डी क्या करें, एक लोग प्लीज बोलो क्या करे हो सर, जो फोर पे है वो तो इसमें आया ही नहीं, फिर दो सी आर ई। मतलब ये जो कह रहा है कि सम सी आर ई, मतलब नो सी आर ई कह रहा है ना, नो सी आर ई, नो ई आर डी। हाँ, तो इसमें ये कह रहा है, मतलब ये चीज आपकी स्टेटमेंट है, कंक्लूजन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। तो हम देखो ये जो ई है, मतलब जो ई का पार्ट है, वो हम ई का पार्ट यहां तक लेके जाएंगे ना, डी तक ले जाएंगे, सी में नहीं ले जाएंगे। तो ये बन तो रहा है, ये हम इसमें नहीं ले गए ना, ये तो डी है ना, तो ये सी वाला पार्ट ये, तो इस पे नहीं ले जाएंगे। तो मतलब कहने का हमारा, ये जो डी और ई के बारे में बता रहे हैं कि अगर डी में पॉजिटिव कहेगा तब भी रॉन्ग होगा, अगर निगेटिव मतलब और निगेटिव कहेगा तब भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। लेकिन और वाली कंडीशन जो कल वाली बताई थी वो हो सकता था कि वो कंफर्मेशन होगी, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, प्रोसिबिलिटी वाली बात कहेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। ओके सर, समझ में आ गया। जो कल हम लोगों ने नहीं देखा था कि और मतलब या तो हम फिगर ये वाला बनाएंगे इसमें से, या तो फिगर हम ये बनाएंगे, या तो फिगर ये बनाएंगे, एक ही फिगर में मैंने बना दिया हुआ है, ठीक। अब देखो एक चीज और समझो, अब जैसे ये जो हम लोग क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट दिया होगा, तो स्टेटमेंट में कभी क्या हो सकता है, जो स्टेटमेंट हो वो आगे पीछे हो सकता है। जब आगे पीछे स्टेटमेंट हो जाए तो आपको लिंक करना, जैसे मानो समझो जैसे मैंने ये स्टेटमेंट मैंने लिखे थे, मतलब जो हमने आपके लिख दिए जो फोर स्टेटमेंट थे, मान लो हमने कहा कि आल ए आर बी, तो ये पहला स्टेटमेंट मान लो हमने पहला स्टेटमेंट था, ठीक है, मान लेते हैं स्टेटमेंट में नहीं लिखा होगा पहला दूसरा, और इस दूसरे के बाद लिखा था कि आल बी आर सी, तो आल बी आर सी यहां लिखा होता, इस जगह पे लिखा होता, ठीक है, और ये कंडीशन क्या होती, ये वाली इधर लिखी होती। तो अब हमें क्या करना पड़ता कि बी को जोड़ना पड़ता ना, जैसे आल ए आर बी लिखा हुआ है, आल ए आर बी लिखा हुआ है, और ये लिखा है आल बी आर सी, और ये वाली चीज ऊपर लिखी होती, तो फिर हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को बी को सी, जहां से बी लिखा होता है उस सी से जोड़ेंगे। मतलब हमें एक लिंकिंग मिलनी चाहिए, कभी कंफ्यूज मन होता है कि सर इसमें तो लिंकिंग नहीं मिल रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिंक से दूसरी लिंक को जोड़ना पड़ेगा, तभी कभार ऐसा होगा वो चीजें हो जाएंगी, ठीक। क्योंकि जैसे आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे मान लो हमने लिख दिया होता कि आल ए आल ए आर बी, फिर हमने लिख दिया होता आल सी आर डी, फिर लिखा होता कि आल बी आर सी, तो हम पहले इसको बना लेते, फिर इसको बना लेते, फिर इसकी लिंकिंग इससे कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि लिंकिंग करनी होती एक दूसरे को। जैसे हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं, या रैंक एंड आर्डर टेस्ट करते हैं, या पजल करते हैं, तो हम उसमें लोग हम लोग क्या करते हैं, उसकी लिंकिंग करते हैं, एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तभी तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, नहीं कैसे कर पाते, ठीक। अब हम लोग आते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए, अगर कुछ पूछना चाहते हो, हालांकि अभी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें और चीजें आप लोगों को क्या होंगी समझ में आएंगी, ठीक है। देखो आप लोग, सर जी जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है सर, इसके हिसाब से हम वेन डायग्राम तैयार करते हैं। जी 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 तो सर, इसमें
इसमें सर ये बता रहा है कि नो सी आर ई, जी जी, तो हम फिर ई की जो रिलेशन होती है वो कैसे हम डी के साथ बना रहे हैं, क्योंकि ये तो दे नहीं रहा है। हाँ तो हाँ सही बिल्कुल कह रहे हो। हाँ तो आप ये जो कह रहे हो ना कि हम सर क्यों उसके साथ रिलेशन बता रहे हैं, तो हम नहीं बता रहे, इसीलिए तो पॉजिटिव कर रहे तब भी गलत कर दे रहे हैं, निगेटिव कर दे रहे तब भी गलत कर रहे हैं। लेकिन अब मान लो दोनों को मिला के वो दे दे, या तो ई डी के साथ में होगा या नहीं होगा, यही तो कहोगे ना कि आपने कहा सर हम क्यों इस टाइम जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है। जी 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 जी, हम लिंक कर सकते, अगर हमें दिया हुआ होता तो हम लिंक करते। हाँ हाँ, इसमें तो शो नहीं। हाँ तो हमने उस, हाँ तो हम ई को हम कहाँ पे फिर रिप्रेजेंट करेंगे सर? ई को हम रिप्रेजेंट तो हमने बाहर किया है ना, देखो ये जैसे हमने ई को रिप्रेजेंट किया ना तो सर आपने, सर जी वो तो डी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया ना सर। हाँ तो स्टेटमेंट में नहीं दे रहा ये। हाँ तो डी आर ई, हाँ तो इसी का इस टाइम जो डायग्राम जो शो कर रहा है वो तो सम डी आर ई रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं सम नहीं, नहीं नहीं बोला नहीं नहीं ये नहीं है। कंक्लूजन होता सर, सर अगर कंक्लूजन में ये होता कि सम डीआरई वो तो स्टेटमेंट में था ही नहीं। हाँ तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हाँ स्टेटमेंट पे है ना नो सीआरई, वो तो वहाँ पे है नो, आपने दिखाया मतलब सम ईआरडी, सम डीआरई। ये जो तो मैं ये जो बनाया हुआ है ना, ये मैं प्रोसिबिलिटी बनाई है, मतलब प्रोसिबिलिटी बनाई कि हो सकता है भाई, जो हम दो को एक होती प्रोसिबिलिटी कि समझो, चूंकि हम प्रोसिबिलिटी के केस में फिर सर हमें बी बी और ई के रिलेशन बन सकती है। ना 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 बी में, चूंकि आपको यहाँ पे रोक दिया ना कि सी, जो सी है वो कहाँ नहीं जा सकता है, जो मतलब ई सी के पास नहीं जा सकता है, ये रोका है, ये तो भाई रोक दिया ना उसने। देखो कह रहा है कि नहीं कह रहा, ये बोला है उसने कि नो सी आर ई, तो जब इसके अंदर मान लो आपको गेट पे ही रोक दिया गया तो आप अंदर नहीं जा सकते हो ना, यहाँ पे इसने रोक दिया कि ये चीज आप इसके अंदर नहीं जा सकते हो तो जब हाँ यहाँ पे हम तो इस जब यहाँ पे नहीं जाओगे तो इसका रिलेशन आप इससे भी नहीं निकाल सकते, इससे भी नहीं निकाल सकते, इससे भी नहीं, कंफर्मेशन है पॉसिबिलिटी का केस है सर। जी जी सर, जब तो हो गया पॉसिबिलिटी का केस। हाँ मतलब पॉसिबिलिटी का केस सी वाले में नहीं पॉसिबिलिटी होगी, कंफर्मेशन है कि नो सी आर ई बिल्कुल कंफर्म है, नो बी आर ई बिल्कुल कंफर्म है सही है, नो ए आर ई बिल्कुल कंफर्म है कि आपको जैसे मान लो आप कोचिंग में गए, मान लो कोचिंग में सर की कोचिंग में गए, सर ने बोल दिया कि जो तो है गेट के अंदर नहीं जाना है, तो क्लास में कैसे एंट्री करोगे आप बताओ? नहीं भाई, आप जैसे मान लो आप मान लो सर मेरी एग्जांपल समझना, जैसे मान लो आप गए तो सर आप मान लो ऑफिस में तो चले गए, मान लो सर ने कहा कि क्लास में, आपने सर ने मान लो आपसे ये कहा होता कि क्लास में नहीं जाना है, तो आप ऑफिस में तो भी चले जाते ना बात करने के लिए सर से, मतलब कहने का जो हम लोग रीजनिंग पढ़ते तो इसमें में एनालिटिकल होता, सोचना होता कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने उसने ये बोला हुआ था कि सी के साथ ई का रिलेशन नहीं होना है, तो जो सी के साथ जब ई का रिलेशन नहीं होना था तो डी के बारे में कुछ नहीं बोला ना, डी और ई के बारे में कोई रिलेशन नहीं बोला, तो प्रोसिबिलिटी है कि सम डी आर ई प्रोसिबिलिटी है, तो सही है, राइट है, प्रोसिबिलिटी सही है, नो डी आर ई प्रोसिबिलिटी है तो ये भी सही है, अगर संभावना कहेगा तो सही होगा, कंफर्मेशन नहीं सही होता है ना भाई, अभी भी कन्फर्मेशन नहीं सही होता, प्रोसिबिलिटी सही होती, हो सकता है कि ऐसे चीजें होती। देखो जब हम स्टेटमेंट कहते हैं, जब स्टेटमेंट कहते हैं तो अभी हम लोग जब कल वाले एक टॉपिक जब पढ़ेंगे, कल एक पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड होता है कि ओनली वन, ओनली वे, मतलब ओनली वे और वन वे, ओनली वे वन वे। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मैं ही रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ाता हूं, तो ये मैं गलत बोल रहा हूं, ये मैं गलत बोल रहा हूं, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं लेकिन इसके अलावा भी बहुत से टीचर हैं, मैं एक रास्ता हूं, एक टीचर हूं, इसे बहुत अच्छे टीचर, बहुत टीचर हैं और भी टीचर हैं, लेकिन जब हम कह देते कि ओनली, तो ओनली जो स्टेटमेंट में वैसे भी वीक स्टेटमेंट माना जाता है, वन वे है, बात समझ रहे हो, वन वे है मतलब एक तरीका है, ये क्या है, एक तरीका, तो वो चीज सही होती, तो कंफर्मेशन तो चूंकि नहीं कर सकते ना उस इस वाले चीज में, जब हम लोग कल एक और टॉपिक पढ़ेंगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला, तब उसमें हम लोग जो रूल होंगे वो पढ़ेंगे, जैसे कंफर्मेशन वाली चीज होगी, रूल वाली होगी, ला वाली होगी, कंक्लूजन वाली, वो चीजें कल हम लोग देखें। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? अभी भी अगर डाउट हो तो बताओ कि सर अभी भी नहीं आया है, बोलो प्लीज बताओ, अगर ना समझ में आया तो दोबारा बताते हैं, दूसरा एक और स्टेटमेंट लेते हैं ना भाई, अभी मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे वो सर, कोई
जी जी बोलो सर, बोलो। सम सी आर ई करेक्ट होगा? सम सी आर, नहीं नहीं सम डी आर ई, सम डी आर ई, प्रोसिबिलिटी लगा दो तो सही होगा, नहीं गलत हो जाएगा। सम डी आर ई रॉन्ग हो गया, ठीक है, नो डी आर ई रॉन्ग हो गया। अब यही दोनों स्टेटमेंट में मान लो जब आपको आंसर यहां पे देना होता तो वो ये कहता कि या फर्स्ट और सेकंड राइट, तो ये सही हो जाता, आइदर फर्स्ट और सेकंड तो सही हो जाता, ये हो जाता, प्रोसिबिलिटी कहेगा तो सही होगा। क्योंकि देखो आपको सिर्फ सी और ई के बारे में बोला है, डी के बारे में कुछ नहीं बोला है ना इस केस में, इस कारण से हो गया। अच्छा मतलब ऐसे अगर ऑप्शन होगा जैसे सम ई आर डी और दूसरा ऑप्शन होगा सम डी आर नॉट ई, तो ये जी दोनों पॉसिबिलिटी फिर करेक्ट होगा? हाँ ये प्रोसिबिलिटी, हाँ ये मतलब दोनों जब प्रोसिबिलिटी में होता तो राइट स्टेटमेंट दी होगी तो फिर जाके वो वाला ऑप्शन ठीक होगा, वन और सेकंड। ये जी 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 बिल्कुल सही है, वो मतलब दोनों दिया होगा तो इसमें क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे दिया होगा नो डी आर ई तो ये तो गलत होगा फिर? हाँ नो डी आर ई गलत हो गया, बिल्कुल सही है। एक में अगर मान लो आपको यही बताना होता तो ये गलत हो गया। ठीक ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग चले क्वेश्चन पे। जी सर, यस सर। देखो आप लोगों को देखना, आप लोग सब लोग पेन और कॉपी लिए होंगे, ठीक है, कोशिश करना है ताकि हम कुछ करते हुए भी चलेंगे, ठीक है। देखो जो जैसा कह रहा है, जितना रूल बताया है, एक दो क्वेश्चन हम कराते हैं, जितना कह रहा है सिर्फ आपको उतना ही करना है। देखो अब इसमें क्या करना है आप लोगों को कि ये आपका स्टेटमेंट है, ये आप लोगों का स्टेटमेंट है, ये आप लोगों का कंक्लूजन है, ठीक। मैंने जो तो जो क्वेश्चन लिए हैं वो टप वाले लिए, सरल वाले तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। अब इसमें से क्या है जो मतलब इसमें से कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन ये दिए गए, मतलब फोर आपको कंक्लूजन दिए, इसी में से चॉइस करके क्या करना है आपको बताना होगा, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है आल हंटर्स आर पंचर्स, क्या हो गया आपका तो आल, अब एक ही वर्ड हम लोग लिखेंगे तो हमने जैसे बना लिया एच बना लो एक, ठीक है, और फिर क्या कह रहा है पंचर्स, तो ये हमने बना लिया पी ऐसे लिख लिया, ठीक है। फिर कह रहा है सम पंचर्स आर टाइगर्स, तो सम कह रहा है, अब बात देखो आपने आप बस यही समझना कि सर यार सम वाली में कंडीशन लेना नहीं है, तो सम वाली ले जानी, तो सम इसको कह रहा है तो सम हम सिर्फ इसी मिलाएंगे ऐसे करके, अब उसके हंटर्स के अंदर नहीं ले जाएंगे, जो कहे वो आपको करना है, मतलब कहने का जो कह रहा है सिर्फ वो करना है। अब प्रोसिबिलिटी आप मत सोचना, आपको नहीं सोचना है, ठीक है, कि हम हंटर्स में भी जा सकता है, ये ना जितना कह रहा उतनी बात, जितना स्टेटमेंट में कह रहा है सिर्फ उतनी बात सोचनी है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो हमने क्या लिख लिया टाइगर लिख लिया, ठीक। अब दूसरे में आते हैं, बस अरे दो ही तो है, दो ही है ना, अब देखो बस इतना ही बना, इतना अब देखो ये अब स्टेटमेंट दो ही है, दो ही कह रहा सम हंटर आर टाइगर, सम हंटर आर टाइगर, अब देखो हंटर और कहा हंटर ये और टाइगर ये, तो ये क्या हो गया मेरा रॉन्ग हो गया, ठीक ठीक। अब देखो करा आल टाइगर आर पेंटर्स, ठीक है, तो आल आल टाइगर, तो टाइगर कहां, आल वाली कंडीशन तो बनी नहीं, सम वाली कंडीशन बन रही है, तो आल तो हमें सोचना ही नहीं था, बिल्कुल गलत हो गया। अब देखो करा सम पेंटर्स आर हंटर, अब बात समझो, करा सम पेंटर्स आर जो तो सम पेंटर्स आर हंटर्स, ये एक बात ये कह रहा है और ये ठीक है, ये देखो सम पेंटर हंटर, तो सम पेंटर्स सम पेंटर्स आर हंटर, तो जब हम लोग बाहर से अंदर की ओर चलते हैं तो ये कंडीशन क्या होती है हम लोगों की, सही होती है कि नहीं होती है, ये कंडीशन क्या होती है ना, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई हमारी, सही हो गई। अब और हम लोग देखते हैं आगे क्या करा है, करा है नो पेंटर्स आर हंटर, नो पेंटर्स आर हंटर, तो ये कहाँ पे है आपका, ये आपका पी हो गया और हंटर्स कहाँ हो, तो ये क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया। अब सही कौन सा है इसमें से, सिर्फ सही हम लोगों को कौन सा, सिर्फ पहला सही है। अब देखो स्टेटमेंट में हम लोग कैसे, इसमें से सिर्फ हमारा तीसरा सही, अब इसमें तीसरा में कहीं मिला नहीं मिला, लेकिन इसमें से एक और ऑप्शन था कौन, नन ऑफ दीज, की नन ऑफ दीज मतलब इसमें से कोई नहीं है। अब इसलिए ऑप्शन ही इसलिए किस लिए बनाया था कि बच्चे को लगे नहीं यार ऐसा तो नहीं कि इसमें होगा जरूर, ठीक है वो लगेगा ऑप्शन जरूर निकालें, और लेकिन सही कौन सा है इसमें से, ये सही है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो अब दूसरा हम देखते हैं सर, फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों नहीं ठीक हो सकती, अच्छा ठीक है एक मिनट, फर्स्ट क्यों नहीं सही हो सकती ना,
देखो कह रहा है सम हंटर्स आर टाइगर है, सम ये हंटर है और ये टाइगर है। हाँ लेकिन जो नो डायरेक्ट लिंक, मतलब देखो इसमें डायरेक्ट आप ये कह सकते हो कि सर सम टाइगर और हंटर्स हो सकते हैं, प्रोसिबिलिटी है, तो ये बात सही होती है। लेकिन ये प्रोसिबिलिटी वाली बात ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि मना नहीं किया तो हो सकता था, तो हो सकता, लेकिन प्रोसिबिलिटी थी, कंफर्मेशन नहीं था ना भाई। तो कंफर्म, सिर्फ हम कंफर्मेशन पे जाएंगे, बहुत अधिक सोचेंगे तो हमारे कंफ्यूजन होने लगेंगे। मतलब जितना स्टेटमेंट में कहा जाए उतना बस हमें काम करना है, बहुत अधिक नहीं सोचना है, तो फिर हम कंफ्यूजन में चले जाएंगे। ठीक, ठीक है। क्योंकि देखो हमसे उसने कहा, इसमें देखो फिर आप देखो, उसने कहा था कि आल हंटर्स आर पंटर्स, तो ये था, तो आल हंटर आपने ये बना दिया, फिर कहा सम पंटर आर टाइगर, ये वाली चीज हमें यहां पे लानी थी, सिर्फ ये वाला, हमें इसके अंदर नहीं आना था ना, क्योंकि कहा नहीं था तुम क्यों वहां पे जाएंगे, इस कारण से ये गलत हो गया, इस कारण से क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। ठीक, अच्छा आप लोगों ने और कुछ इसमें से, आप लोगों को अगर ना समझ में आया तो प्लीज बताओ, कि सर समझ में नहीं आया दोबारा बताएं। सभी लोगों को आ गया ना? अच्छा तो आप लोग प्लीज बताओ, हाँ ये जो तो है, अगर आप लोगों के पास अगर पेन और कॉपी हो तो ये बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। सम बॉक्सेस आर डॉग्स, अगर आप लोग इसमें से आप लोग सही बता दोगे ना, तो समझेंगे कि चलो हमने जो पढ़ाया आप लोग, मेरी कुछ मेहनत सफल हुई। बताओ भाई, कमेंट करके बता देना सब लोग थोड़ा। इसमें सम बॉक्सेस आर डॉग्स, ऑल डॉग्सेस आर पेंस, ये है आपका स्टेटमेंट, बिल्कुल से। और हर पेपर में, बैंक में तो ये कम से कम 3-4 नंबर, 4 नंबर, पहले तो 5 नंबर का आता था, जब से मान लो कि आपका ये प्री और मेंस होने लगा तब से तो ये आपका 35 नंबर का, 30, मतलब जो तो 35 नंबर की जब से रीजनिंग हो गई तब से 3 नंबर का लगभग आता है, 3 नंबर का लगभग आएगा आपका, बाकी सब एग्जाम में आता है आप लोगों का। कभी भी दिया होगा तो आप जरूर मिला होगा, आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो, मतलब दूसरा, हाँ डी, चलो ठीक है, एक ऑप्शन आया है डी, मतलब आल फॉलो, मतलब सभी फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है चारों ना सभी फॉलो कर रहे हैं। और बताओ भाई, तो एक ऑप्शन आया डी, सपना जी बता रही हैं डी, और बताओ भाई। बी, जाकिर जी बता रहे हैं बी, चलो मतलब एक कुछ लोगों का डी और कुछ लोगों का बी, अभी तो बहुत से आप वो भाई ना, और बताओ। अच्छा सर मुझे तो थर्ड एंड फोर्थ आता है इसमें। थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन मतलब है। थर्ड और फोर्थ पार्ट ही करेक्ट निकलता है मुझे, ये जो सम बॉक्सेस आर पेन्स एंड सम पेन्स आर बॉक्सेस ये मुझे गलत निकलते हैं। अच्छा चलो, चेक करें, चलो देखते हैं भाई। ठीक है, करा सम बॉक्स, अब सर थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सेम ही है, सम पेंस आर डार्क, सम सेम है पेंस सर। आर डार्क। अच्छा सेम है, तो उसको क्या कर, मतलब जो सेम हो सकता है कि मतलब टाइपिंग में गलती हो गई होगी तो उसको हटा देना, एक ही रखना है। ठीक, तो अब हम लोग चलो चेक करते हैं, पहले ना स्टेटमेंट में देखते हैं कि सम बॉक्सेस और डॉग्स, तो सम बॉक्सेस, तो सम जैसा देख, आप लोग सबसे पहले ये बताना फिगर, आप लोग सिर्फ फिगर सही बनना चाहिए, सम बॉक्सेस और डॉग्स, तो हमने आपने बना लिया डॉग्स। यस ठीक, ऑल डॉग्स आर पेंस, अब देखो ये जो डॉग है ना, डॉग से आप ऐसे एक लाइन ले जानी है ऐसे करके, ठीक ऐसे, ठीक तो क्या बना लेना है, पेन बन गया। ठीक, ये लाइन जो आगे पीछे ऐसे हो जाए तो ऐसा नहीं कि गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको ओवरलैप, तो ये अब देखो कंक्लूजन हम लोग, अब देखो इस कंडीशन में ये जो आपका बॉक्सेस है, बॉक्सेस भी जो तो पेन से ओवरलैपिंग कर गया ना, ठीक याद रखना है। अब देखो पहले में आते हैं, सम बॉक्सेस और पेन, बिल्कुल सही हो गया, सही हो गया ना, क्योंकि ये ऐसे काट के गया था ना बॉक्सेस वाले को, तो ये सही हो गया। ठीक, अब आते हैं फिर, कह रहा है सम पेन्स आर बॉक्सेस, सम पेन और बॉक्सेस वो एक ही चीज है ना, एक ही बात कहता, तो अल्ले मान लो ऐसे लिखा होता तो ये बात भी सही हो गई। सम पेन और डॉग, सम पेन
पेन और डॉग, क्योंकि जब हम लोग ऐसे आते हैं अंदर से, मतलब बाहर से अंदर की ओर आते हैं, तो ये बात भी सही हो गई, सही हो गई ना। ठीक, अब देखो सम पेन और डॉग, सम पेन और डॉग, फिर उसने एक मतलब दो बार एक ही बार रिपीट कर दिया ये, तो इसलिए हमें लगाना होता तो हम लोग किसमें लगाते हैं, इसमें लगाते हैं ना डी में। अब आप लोगों ने, सभी लोगों ने बताया है डी, इसलिए क्या है डी ही क्या है। अब इफ वी आर सम फोर्थ कंडीशन देन इज द आंसर, ठीक, हाँ सही है जो, तो आपका तो डी आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक, इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से आप लोगों को। ठीक है, अब ये इसमें से बताओ, अब सम डिगर्स आर जोकर्स, आल जोकर आर क्यूट, ए मीटिंग अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी ना, आप लोग जो जाना तुरंत, आप लोग सभी लोग।